और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में आज से दो दिनों के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक दिल्ली में कर्फ्यू रहेगा। नए साल के जश्न को देखते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। 5 लोगों से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है, ये बड़ी खबर। और पृथु कीर्ति मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। पृथु, ये क्योंकि एक तो कोरोना संक्रमण नया स्ट्रेन जो आया और उसी को लेकर लोग हुड़दंग ना कर पाए, ज्यादा संपर्क में ना आ पाए, सावधानी बरतने के लिए बड़ा फैसला। जी जी बिल्कुल पयोधी, नया साल का समय है, 31 तारीख है, न्यू ईयर्स ईव है, लोग सबसे ज़्यादा जश्न के मूड में होते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं दोस्तों के साथ, परिवार के साथ पार्टीज करने के लिए। ऐसे में भीड़ का जो खतरा है पब्लिक प्लेसेस पर वो बढ़ जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए और कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए लोगों ने, दिल्ली सरकार ने जो है दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने का जो है वो फैसला किया है। यानी कि 31 तारीख को रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक और 1 तारीख को भी रात को 11 बजे से 6 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसी के साथ साथ जब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो पब्लिक प्लेसेस पर भीड़ जमा होती है और कोविड जो है वो इस वक्त दिल्ली में बना हुआ है। नया स्ट्रेन भी दिल्ली में कोविड का जो है वो है, उसी को ध्यान में रखते हुए भी ये डिसीजन भी लिया गया है कि पब्लिक प्लेसेस पर 5 लोगों से ज़्यादा की अगर भीड़ देखी जाएगी तो उनके ऊपर भी एक्शन लेने का प्रावधान इस वक्त जो है वो बनाया गया है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पूरी दिल्ली में, दिल्ली के अलावा जो पूरे NCR की अगर मैं बात करूं, गुड़गांव की या फिर नोएडा की, क्योंकि हम देखते हैं दिल्ली में आना जाना लगा रहता है, लोग यहां से जाते हैं दफ्तर के लिए जाते हैं, लेकिन जब सेलिब्रेशन की बात आती है पृथु तो पूरे NCR में लोग जाते हैं, तो क्या वहां पर भी इसे फॉलो किया जाएगा? बिल्कुल पयोधी, देखिए इसको फॉलो करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को ये लगने लगा है कि कोविड जो है उतना खतरनाक अब नहीं रहा है, मगर असल बात यह है कि कोविड का खतरा आज भी उतना ही बना हुआ है। तो इसको बिल्कुल NCR में भी फॉलो किया जाएगा। NCR में भी पब्लिक प्लेसेस पर जो है ये जो रेगुलेशंस है वो लागू रहेंगे। जी, और वो कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि कहा गया रेस्टोरेंट, अब पब्स, बार, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई गई हैं। देखिए पब्स और रेस्टोरेंट्स जो जगह है वहाँ पर ज़्यादातर लोगों की भीड़ लगती है, हालांकि जिन जगहों पर लाइसेंस जो है वो सरकार द्वारा दिया गया है उनको इस श्रेणी से अभी बाहर रखा जाएगा, वहाँ पर जो है लोग जाके थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन कर सकते हैं, मगर इसके अलावा जो ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर भीड़ लगने का खतरा ज़्यादा होता है जैसे पब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इसके अलावा पार्टीज जहाँ पर ज़्यादा होती हैं उन जगहों पर ये रेगुलेशन जारी रहेंगी। वहाँ पर लोगों को 11 बजे के बाद घर लौटना पड़ेगा, 6 बजे तक जो है सुबह कर्फ्यू जारी रहेगा। ओके पृथु, आपका धन्यवाद ये सारी जानकारी साझा करने की। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।